वहीं नाव बस हादसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महोबा के मवई खुर्द गांव में रजिस्टर्ड ये बस बताई गई है। खुलासे से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरटीओ बांदा उदयवीर ने महोबा में जांच की है। पुष्पेंद्र सिंह के नाम केयर ऑफ में दर्ज है। एमएमकेसी जैन ट्रेवलर्स कर रही है संचालन। जोधपुर की बताई जा रही कंपनी। दूसरी बसों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच। जांच के लिए टीम गठित की गई है। बस का परमिट इंश्योरेंस नहीं था। लापरवाही पर अफसर हैरान है। हम के स्वामी है और ये जो है इस तरीके की गाड़ी का संचालन किया जा रहा था तो उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। सर ऐसे कितने वाहन हैं आपको जानकारी है? अभी उसकी संख्या निकाली जा रही है। देखते हैं जांच चल रही है। जांच चल रही है उसकी संख्या निकाली जा रही है तो उसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी वाहन है और उनको पंजीयन जो है सस्पेंशन। जो आज उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें 18 व्यक्ति मर गए हैं और लगभग 30 लोग जो है इंजर्ड गए हैं, घायल हैं। ऐसी बसों को लेकर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें अभी तत्काल तो मैं 35 गाड़ियों का जो है इनका पंजीयन मैं सस्पेंड कर दिया हूं 90 दिन के लिए।